कम बैक गाइज एंड वेरी वेरी वेलकम टू माई YouTube चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालों के जवाब जो है फ्रेंड्स इस वीडियो में दूंगा। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम इसको सेल कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इसको एक्सचेंज करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेल करने का जो तरीका है वो एक तरीके से स्वैपिंग का तरीका है, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर जितने भी कॉइन्स आपने बाय किए उसको आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। ये मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। और स्वैपिंग के बाद, और स्वैपिंग आपको सबसे पहले कौन से कॉइन में करनी है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको उसी कॉइन में करनी है जो कि स्टेबल है, लंबे टाइम से चल रहा है और जिसकी कोई भी एक तरीके से कोई भी चांस नहीं है कि वो कभी ख़त्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपको उसके अंदर स्वैपिंग करनी है। बट एनीवेज, ये मैं फ्रेंड्स अभी ये स्टेप जो है आपको करके दिखाऊंगा, स्वैप नहीं करूंगा, बट आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो वीडियो को इसलिए पूरा एंड तक देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ताकि आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कॉइन्स हैं ये रिसेंटली लॉन्च हैं, किसी को मतलब एक महीना हुआ है, किसी को 15 दिन हुए हैं, किसी को 20 दिन हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितनी भी अमाउंट लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने $5 का अमाउंट लगाया, $10 का अमाउंट लगाया, तो उसके बाद जैसे ही आपका प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होता है, मान लीजिए $5 के आपके $50 बन गए या $40 बन गए या $60 आपके बन गए, तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए अगर आपने $5 इन्वेस्टमेंट किया तो $5 इन्वेस्टमेंट तो उसको तो निकालिए, प्लस थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट जो है 20% 30% 50% आप प्रॉफिट भी अपना निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो कॉइन्स हैं, ठीक है, उनको आप होल्ड पर रख दीजिए, जिससे होगा क्या कि अगर आपने अगर एक इन केस की ऐसा मतलब इनमें से अगर कुछ कॉइन्स अगर ऐसा होता है कि इन केस ये ख़त्म हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, ठीक है, ये स्कैम निकल आता है, कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट आपने जो अमाउंट लगाया एटलीस्ट वो इन्वेस्टमेंट के और प्रॉफिट के साथ में वो आपका अमाउंट पूरा आ जाएगा और आप यहाँ पर आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अपने दिमाग से चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी आप लोगों के लिए फ्रेंड्स रिकमेंडेशन है, इसको ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि लालच में आ जाओ और आप इसको जो है पड़े रहने दें कि भाई ठीक है मैंने सबसे पहले कि मैं गलती कर दी कि भाई आप मैं जैसे आपको कहा कि भाई आप इसको कमी जो है कम अमाउंट में बाय करें, ऐसा ना करें कि भाई $100 का ले लिया, $1000 का ले लिया, ठीक है। क्योंकि नए कॉइन हैं तो नए कॉइन पर विश्वास करना थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो कॉइन्स आपको प्रॉफिट नहीं देते, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं ये कॉइन्स आपको। लगभग ये मान लीजिए कि अगर आपने $5-10 के लिए तो हाइक पे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में होते हैं, ठीक है, लोगों को पता चलता है। तो क्योंकि लोगों के अंदर ये क्रेज़ होता है कि भाई ये कॉइन सस्ते में मिल रहे हैं तो हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाइक होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रोग्रेस कर जाते हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ कॉइन्स ऐसे भी होंगे जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे भी, रन भी करेंगे और अच्छा खासा ग्रो भी करेंगे, ठीक है। बट कौन सा कॉइन कहाँ पर स्कैम कर जाए ये भी इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, वैसे तो मैंने आपको पहले ही रिकमेंड किया था कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आपने, बट जितना भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप जब आपको लगे कि भाई प्रॉफिट आपका आ गया तो एटलीस्ट जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके साथ थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल करके आप इसको विड्रॉल कर लीजिए, ताकि आपका कहीं से भी लॉस ना हो, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था। और बात करें अब चलिए यहाँ पर स्वैपिंग की, तो किस तरीके से हमको स्वैप करना है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर अभी करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपने पहले क्या किया था कि आपके पास में BNB था और आपने इसको सेफ मून को या सेफ मार्स को या अदर जो कॉइन्स थे एनकैट, ठीक है, इनको आपने क्या करना था, बाय करना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप DApps में गए, पैनकेक में गए और उसके बाद आपने यहाँ पर BNB ऑटोमेटिक सेलेक्ट था और उसके बाद आपने जो है सेफ मून या जो भी है आपने वो बाय कर लिया यहाँ पर सेलेक्ट करके, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी अपने को उल्टा करना है, यानी जो कॉइन्स आपने बाय किए थे नए कॉइन्स जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी $5-10 की, तो वो जो बाय किए थे अब उसका प्रॉफिट आपको आ गया है तो अब आपको वो निकालना है, ठीक है, आपको सेल करना है। तो आप क्या करोगे कि अब इसको उल्टा कर दोगे, उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेफ मून में मुझे मैंने फॉर एग्जांपल $50 के खरीदे और मुझे जो है प्रॉफिट हो गया $100 का, तो मैं क्या करूँगा कि $50 प्लस 30 यानी $80 के आसपास मैं निकालूंगा। अगर मैं आपकी जगह पर हूँ तो मैं यही करूँगा, अगर मैंने ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने $50 का बाय किया है और उसमें से फिर मेरा $100 बन गया या $80 बन गया, तो मैं $50 प्लस 20 या 10, ठीक है, यानी 60 या 70 में निकाल लूँगा, बाकी इसको पड़े रहने दूंगा ताकि मेरे को आने वाले टाइम में फ्यूचर में अगर अच्छा चलता है तो मुझे अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए, मैं उसको होल्ड करके रखूँगा, फिर मैं उसको सेल करने के लिए इंतजार नहीं करूँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा, ठीक है।
फिर मैं इन कॉइन्स को छोड़ दूंगा लगभग साल भर के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, जब तक कि इसका अच्छा खासा प्राइस ना बढ़ जाए। तो अगर इन केस डंप हो गया, खत्म हो गया, तो मेरे को रिग्रेट भी नहीं होगा कि भाई ठीक है जितना मैंने लगाया था अपने प्रॉफिट के साथ निकाल लिया। और इन केस अगर अच्छा खासा ग्रो कर गया और बढ़ गया, ठीक है, और प्राइस बहुत अच्छा खासा बढ़ गया, तो कॉइन्स तो आई थिंक कि फ्रेंड्स इतना कुछ 10-20 लाख कॉइन अगर अभी बच जाते और अच्छा खासा वो बढ़ जाता आगे चल के, तो अच्छा खासा प्रॉफिट तब भी आपको दे करके जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं से भी फ्रेंड्स रिग्रेट नहीं होगा, कहीं से भी आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है, और प्रॉफिट में आप हमेशा रहेंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अपने को सेफ एंड सिक्योर करके हम जब चलते हैं तो इस तरीके से चलते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। सो एनीवेज अभी जैसे मैं बता रहा था सेफ मूड, ठीक है, तो अब मुझे मान लीजिए मुझे सेफ मूड में करना है, तो इसको मैं ये, ठीक है, इसको कंटिन्यू कर दूंगा यहाँ पर, और ये सेफ मूड है। अब मुझे जो मैंने कॉइन्स बाय किए थे उसको मैंने सेल करना है या एक्सचेंज करना है, ठीक है। सेल करना हम इसको यहाँ पर इस तरीके समझेंगे क्योंकि यहाँ पर सेल नहीं होता है तो इसको एक्सचेंज करते हैं, तो इसीलिए हम ये चीज़ फॉलो करते हैं यहाँ पर स्वैपिंग वाली, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में मोस्टली स्वैपिंग होती है। तो अब जैसे BNB, तो BNB एक ट्रस्ट वॉलेट वो है, ठीक है, ट्रस्टेबल कॉइन है, और काफ़ी अदर कॉइन्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बैट, जो कि वजीरेक्स और अच्छे अच्छे एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इसको भी आप बदल सकते हैं, ठीक है, इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं आप। USDT है, USDT भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और काफ़ी अदर कॉइन्स भी हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, दिखाता हूँ। जो जी कैश है ये भी अच्छा कॉइन है, ये मतलब ऑलरेडी लिस्टेड है अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर, जील है, ठीक है, तो XRP है। USDT में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं ट्रस्ट वॉलेट में पहले इसको एक्सचेंज कर लूँ, ठीक है, सेल कर लूँ पहले जो कॉइन्स है उसको बदल लूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रस्ट वॉलेट से अपने अकाउंट में विड्रॉल कर लूँ और इंडियन करेंसी में कैश आउट कर लूँ, तो अगर वो पर्पस है आपका तो फिर आपको USDT या कुछ और ऐसा कॉइन जो है उसमें एक्सचेंज करना चाहिए जिसका प्राइस गैस फीस वगैरह नेटवर्किंग फीस वगैरह कम है। अगर USDT में करेंगे तो आपकी नेटवर्किंग फीस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसमें इतना खासा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस जो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंड आपको कुछ जो सिंपल से जो कॉइन है जिनका प्राइस कम रहता है उसमें मैं आपको सजेशन करूँगा। तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँगा जी कैश की, तो मैं जी कैश मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं अमाउंट डालता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक का करना है, ठीक है, स्वैप, ठीक है, एक कॉइन अगर फॉर एग्जांपल मुझे सेल करना है तो देखिए मुझे कितना मिलेगा वो यहाँ पे दिखा देगा, मुझे $0.13 जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, और $0.30 नेटवर्किंग फ़ीस लग जाएगी मेरी, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, मैं जैसे अगर आपको सेल करना है तो थोड़ा ज़्यादा ही करोगे, तो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल कर बताया, और सिंपल आपको फिर अप्रूव कर देना है, ठीक है। अप्रूव जैसे ही करेंगे तो आपका बैलेंस जैसे पहले आपके सेफ मूड में आ गया था, अब की बार आपके जी कैश में आ जाएगा या आपके USDT में आ जाएगा या फिर आपका जो भी अदर कॉइन जिसमें भी आपने स्वैपिंग करी है वो उसमें आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, और इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी जो कॉइन है उनको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको बस सिंपली उल्टा स्वैपिंग करनी है, जहाँ पहले आपको BNB से उसमें किया था इसमें आपको करना है, ठीक है, इसमें आपको उल्टा सेफ मून से इसमें करना है एक्सचेंज, ठीक है, BNB या USDT पर। तो ये था मेथड यहाँ पे फ्रेंड्स कि किस तरीके से हमको स्वैपिंग करनी, किस तरीके से हमने जो कॉइन्स बाय किए उसको सेल आउट करना है, ये था यहाँ पे सिंपल तरीका। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इसमें कितना प्रॉफिट अभी तक हुआ है, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को फॉलो करते रहें, टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन करें, जिससे कि जो भी क्विक इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के साथ मैं तुरंत शेयर कर सकूं, क्योंकि कभी कभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता फ्रेंड्स कि मैं वीडियो बना पाऊं, ठीक है। तो इसलिए तुरंत इन्फॉर्मेशन अगर कुछ आती है तो मैं तुरंत आपके लोगों के साथ में शेयर कर सकूं और आप वहां से बेनिफिट गेन कर पाएं, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए, बाकी फ्रेंड्स आप फॉलो कर ही रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो फॉलो करना स्टार्ट करिए। और बाकी फ्रेंड्स अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं और अगर आपको पाई नेटवर्क के बारे में नहीं मालूम तो फ्रेंड्स प्लीज़ पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करके उसमें माइनिंग स्टार्ट कर दीजिए। सिंपल एक बार क्लिक करना होता है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, सिंपल एक क्लिक करना होता है और क्लिक जैसे आप करेंगे आपकी माइनिंग अगले 24 घंटे तक स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल्स पर जो भी पाई नेटवर्क रिगार्डिंग वीडियोज़ पड़ी हुई वहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पाई नेटवर्क है क्या और लाखों करोड़ों रुपये का बेनिफिट फ्रेंड्स आपको पाई नेटवर्क अंदर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे स्टेप्स मिल जाएंगे किस तरीके से हमको पाई नेटवर्क जो है वो ज्वाइन करना है, ठीक है। सो उस प्रोजेक्ट को आप जरूर ज्वाइन करिए, पार्टिसिपेट करिए और माइनिंग स्टार्ट करिए। सो यही था फ्रेंड्स इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।